दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला बल्कि तीन ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताने वाला जिसे जानने के बाद आप शॉक हो जाओ। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अगर आप इन हैबिट्स को अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आपको पढ़ाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन द वीडियो। मैक्सिमम स्टूडेंट में यह गलत आदत पाई जाती है कि वो सुबह को तो पढ़ना चाहता है मगर वो बिस्तर को कभी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे कंडीशन में वो बिस्तर में लेटे लेटे ही पढ़ाई करना शुरू कर देता है और 10 मिनट पढ़ाई करने के बाद वही हाल होता है जो कॉमन इंसान के साथ होता है। उसे फिर से नींद आने लगती है और वो फिर से सो जाता है। दूसरी गलत आदत यह है कि सुबह को सो के उठने के बाद अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करना। और तीसरी जो गलत आदत है अपना समय को टालना। ये सभी में पाया जाता है। खैर ये सभी है प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। नंबर वन पॉइंट यानी बिस्तर में लेटे लेटे ही पढ़ने का आदत को कैसे छोड़ो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सुबह सुबह ही आपको पानी पीने की जरूरत है क्योंकि इससे हमें दिन भर एनर्जेटिक फील होती है और हमें पढ़ाई पर मन लगने लगता है। अब बढ़ते हैं नंबर टू पॉइंट की सॉल्यूशन की ओर, मोबाइल की लत, जो कि आजकल सभी में कॉमनली पाया जाता है और मोबाइल देखे बिना तो किसी की नींद भी नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका मोबाइल का आदत छूट जाएगा। इसके लिए करना यह है कि जहां तक हो सके मोबाइल का कम से कम यूज करने की कोशिश करें और रात को सोने से पहले आप स्मार्टफोन का यूज ना करें क्योंकि स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करने पर आपके माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। और डोपामाइन हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के कारण आपकी नींद पूरी तरह नहीं हो पाती है और आपको पूरी दिन भर एलर्जिक महसूस होती है। आप बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट की सॉल्यूशन क्यों, इसका मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। थिंक अबाउट योरसेल्फ यानी कि जब भी आपका मन समय को टालने लगे तो उसी वक्त आपको अपने बारे में सोचना होगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत। क्या मैं इस आदत को छोड़ नहीं सकता हूँ? क्या मुझ में वो ताकत नहीं है? क्या मेरी कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? इसीलिए खुद से कमेंट कीजिए और उन कमेंट को पूरा कीजिए क्योंकि जब तक आप अपने कमेंट को पूरा करके अपने अंदर वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते हो तब तक लोगों से अपनी वैल्यू के बारे में सोचना गलत है। इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवन में अपने वैल्यू क्रिएट कीजिए और अपना लक्ष्य पर फोकस कीजिए तभी जाकर आप जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही कमेंट करके हमें यह बताए कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरते और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मोटिवेशन एक मार। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।